फिल्म की शुरुआत में डीसीपी बाजीराव सिंघम को दिखाया जाता है, जिसका ट्रांसफर 3 साल के लिए श्रीनगर में किया गया है। वहां सिंघम पर लश्कर के प्रमुख उमर हफीज हमला करता है। सिंघम उसे गिरफ्तार करता है, जो बताता है कि कोई और भी है जो सिंघम से बदला लेगा। सिंघम गृह मंत्री राज जयशंकर से मिलकर भारत में चल रहे ड्रग सिंडिकेट के बारे में बताता है और फिर इससे निपटने के लिए शिवा स्क्वाड बनाया जाता है। 2 साल बाद अवनी, जो कि सिंघम की पत्नी है, रामलीला का आयोजन करती है। इधर सिंघम एक जहाज को श्रीलंका से तमिलनाडु की ओर ड्रग्स ले जाते हुए पकड़ता है और 4 लोगों को गिरफ्तार करता है। उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि इन सबके के पीछे डेंजर लंका है, जिसके 3 साथी मदुरई में रह रहे हैं। सिंघम मदुरई से डीसीपी शक्ति शेट्टी को इन 3 को गिरफ्तार करने को कहता है। हालांकि उसी रात डेंजर लंका पुलिस स्टेशन पहुंचकर सभी पुलिसकर्मियों की हत्या कर अपने आदमियों को छुड़ा लेता है। इस बीच अवनी रामलीला के लिए फुटेज शूट करने रामेश्वरम जाती है, जहां डेंजर लंका उसे अगवा कर लेता है, लेकिन किसी तरह अवनी को एसीपी सत्यबाली बचाता है और उसे अपने घर ले जाता है। लंका सत्य के घर पहुंचकर हमला करता है और इस बीच अवनी को गोली लगती है और लंका फिर से अवनी को किडनैप कर लेता है। डेंजर लंका श्रीलंका वापस जाकर सिंघम को अपनी असली पहचान जुबैर हफीज के रूप में बताता है, जो उमर हफीज का पोता है। वह सिंघम से कहता है कि वह सिम्बा को श्रीलंका भेजने के लिए कहता है। सिंघम शिवगढ़ जाता है और सिम्बा को श्रीलंका जाकर अवनी के हालत जानने के लिए भेजता है। इस बीच सिंघम भी रॉ एजेंट्स की मदद से श्रीलंका पहुंचता है। फिर अवनी को बचाने शक्ति और सत्य श्रीलंका पहुंचकर सिम्बा और सिंघम की मदद करते हैं। सही समय पर सूर्यवंशी भी उनके साथ शामिल होता है और फिर सब साथ मिलकर अवनी को बचा लेते हैं। सिंघम जुबैर को मार देता है और अवनी और अपनी टीम के साथ भारत लौट आता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।